नमस्कार, मैं वर्तक आप सभी का मनोजाला.com में स्वागत करती हूँ। आज के बुलेटिन में हम आपको मनोरंजन जगत की कुछ ताजा खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं केबीसी की। अमिताभ बच्चन के फेमस गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 14 के पहले एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया जा चुका है, जिसमें हॉट सीट पर बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान बैठे नजर आ रहे हैं। शो के प्रोमो में वो बताते हैं कि कैसे वो सोशल मीडिया पर आए और उसमें क्यों ज्यादा पोस्ट नहीं करते हैं। आमिर ने कहा, मैं सोशल मीडिया पर अमित जी की वजह से आया, वो मुझे लेकर आए, लेकिन मुझसे कुछ भी ट्वीट नहीं होता है। पता नहीं क्या बात है, मेरे जितने दोस्त यार हैं उनकी जब फिल्में रिलीज होती हैं तो मैं सोशल मीडिया पर सबकी फिल्मों को प्रमोट करता था सर, और कुछ नहीं करता था। बिग बी आगे कहते हैं, इतनी फिल्मों का आप प्रमोशन करते हैं, हमारे केबीसी का प्रमोशन तो आपने नहीं किया। यह सुनकर आमिर एम्बेरस हो जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि केबीसी को प्रमोशन की क्या जरूरत है। फिर बिग बी जोर से हंसने लगते हैं और तालियां बजाते हैं। अब बात करते हैं कॉफी विद करण की। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण का नया एपिसोड आने वाला है। करण ने इंस्टाग्राम पर इसका प्रोमो वीडियो शेयर किया है। इस एपिसोड में लाल सिंह चड्ढा की स्टार कास्ट करीना कपूर और आमिर खान शिरकत कर रहे हैं। शो में करीना आमिर की जमकर खिंचाई करती हुई नजर आएंगी। शो में करीना कहती हैं कि अक्षय कुमार 30 दिनों में अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म कर लेते हैं और आप 100 से 200 दिन में एक फिल्म खत्म करते हैं। वहीं आमिर खान ने अपने फैशन सेंस पर जब सवाल किया तो करीना ने उस पर उन्हें माइनस दिया। वहीं करीना के इन जवाबों को सुनकर आमिर ने ही कह दिया कि मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है। अब बात करते हैं दिया मिर्जा की। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा इन दिनों अपने बुरे दौर से गुजर रही हैं। दरअसल उनकी भतीजी तान्या काकड़े का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। दिया अपनी भतीजी के बेहद करीब थी। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट में तान्या की एक फोटो शेयर करते हुए इमोशनल पोस्ट लिखा है। दिया ने अपने पोस्ट में लिखा, मेरी भतीजी, मेरी बच्ची, मेरी जान अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम जहां भी रहो तुम्हें शांति और प्यार मिले। तुम हमेशा हम सबके दिलों में रहोगी। ओम शांति। अब बात करते हैं छोरी 2 की। नुसरत हारूचा की फिल्म छोरी के सीक्वल की शूटिंग को लेकर एक अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फिल्म में कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीबी सूत्रों ने बताया है, छोरी 2 की कहानी फिल्म के पहले पार्ट से जारी रहेगी और एक नया मोड़ लेगी। नुसरत और फिल्म के कुछ दूसरे कास्ट मेंबर्स सीक्वल में अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में नजर आएंगे। हालांकि कुछ नए पॉपुलर चेहरे भी छोरी 2 की टीम में शामिल होंगे। विशाल फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वह छोरी के लिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। जल्द ही फिल्म की कास्टिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं गुडलक जेरी की। बॉलीवुड और पॉलीवुड एक बार फिर आमने सामने हो गया है। पंजाबी सिंगर एवं एक्टर रणजीत बावा ने बॉलीवुड मूवी गुडलक जेरी को लेकर विरोध जताया है। बावा ने कहा है कि इस मूवी में एक बार फिर पंजाब को नशा वाला दिखाया गया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि बॉलीवुड मूवीज में पंजाब को बस ड्रग स्टेट ही क्यों दिखाया जाता है। सिंगर जस्सी ने बावा के स्टेटमेंट का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड हमेशा से ही पंजाब को विचारहीन दिखाता रहा है। इसकी वजह पंजाब सरकार की तरफ से कोई कल्चर पॉलिसी न होना है। तो यहीं समाप्त होती है हमारी मनोरंजन जगत की खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।